हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं संजू श्रीवास्तव टेक्निकल चैनल। चलिए आज इस वीडियो में कूलर के बारे में, करंट उतरता है इसका सोल्यूशन के बारे में बताएंगे। कूलर के बारे में, करंट उतरने का पहला कारण होता है कूलर मोटर के कॉयल को जल जाना। जब कूलर के मोटर का कॉयल जल जाता है तो उसका जो कॉयल होता है वो पीवीसी गल जाता है और उस कॉयल जो है बॉडी से टच हो जाने के कारण पूरे कूलर के बॉडी में करंट उतरता है। और इसका सोल्यूशन एक ही है कि इसको फिर से दोबारा रिवाइंड करवा लीजिए और करंट खत्म हो जाएगा। और दूसरा कारण होता है कूलर के बॉडी में करंट उतरने का, मेन लीड का वायर का कट जाना। जैसे कूलर चलते चलते मेन लीड का वायर किसी जगह कट जाता है, उसका पीवीसी कट जाता है। कट जाने के बाद वो बॉडी से टच हो जाता है तो पूरे कूलर के बॉडी में करंट आने लगता है। इसका सोल्यूशन होता है कि उस वायर को कटे हुए जगह पर टेप अच्छी तरह से लगा दें और कूलर के बॉडी में करंट खत्म हो जाएगा। और तीसरा कारण होता है जो रेगुलेटर स्विच लगा होता है, उस स्विच के पॉइंट किसी जगह बॉडी में टच हो जाने के कारण वो कूलर के बॉडी में करंट उतरने लगता है। और इसका सोल्यूशन यह है कि स्विच का स्क्रू ढीला हो जाने के कारण उसको पूरा टाइट स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दीजिए और करंट उतरना बंद हो जाएगा। और कूलर मोटर में करंट उतरने का तीसरा कारण होता है जो वाटर पंप होता है। वाटर पंप वाटर प्रूफ होता है, उसका भी वायर किसी एक जगह कट जाने के कारण पूरे कूलर के बॉडी में करंट उतर जाता है। और इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, वो जो कूलर वाटर पंप होता है वो वाटर प्रूफ होता है और रिपेयर नहीं होता है, उसको डायरेक्ट नया बदल देना चाहिए। नया बदल देंगे तो करंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद कूलर में सोल्यूशन सब बता दिए हैं और इस तरह करंट उतरता है। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।